पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बहरामपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट का चुनाव जीतना जरूरी है। यदि कांग्रेस और लेफ्ट चुनाव नहीं जीते तो भारत की धर्मनिरपेक्षता को नुकसान होगा। जंगीपुर लोकसभा सीट पर वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मुर्तुजा हुसैन के समर्थन में लालगोला चुनावी सभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तृणमूल को वोट देने की तुलना में भाजपा को वोट देना कहीं बेहतर है, इसलिए तृणमूल को नहीं, भाजपा को नहीं, हर वक्त सुख दुख का भरोसा, बोकुल हमेशा आपके साथ रहेगा। सर्दी गर्मी बारिश में बोकुल आपका भरोसा है, इसलिए बोकुल को वोट दें। बता दें कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी राजनीतिक रूप से एक दूसरे के परस्पर कट्टर विरोधी माने जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोलते रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगातार अत्याचार करने का आरोप लगाया है। अधीर रंजन चौधरी का कथित बयान, अगर कांग्रेस को नहीं तो बीजेपी को वोट दे, लेकिन टीएमसी को नहीं। पर पार्टी के नेता जयराम रमेश का कहना है कि मैंने वीडियो नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि कौन सा वीडियो है, किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। लेकिन मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है, 2019 में बीजेपी की जो सीटें मिली हैं इस चुनाव में उनसे कम सीटें बीजेपी को मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी पूरी कोशिश करेगा। ये विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि टीएमसी गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि हम टीएमसी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं कर सके। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है और लेफ्ट ने लेफ्ट के कांग्रेस 12 सीटें छोड़ी हैं। इन 12 सीटों पर लेफ्ट ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। वहीं बीजेपी और टीएमसी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट पर एक दूसरे का मदद करने का आरोप लगाती रही है। अब अधीर रंजन चौधरी के बयान से सवालिया निशान लग गए हैं और इसे लेकर सियासत और भी गर्मा गई है।